से टिकट मैंने यहाँ पर दिया और अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। अवगंडा किला तो सर, अवगंडा ये कब का बना हुआ है सर? 1612 में जी। 1612 में बना हुआ है दोस्तों ये। मैं इसका नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ऊपर का दिखाऊंगा, यहाँ इस तरह का बना हुआ है ये। बस यहाँ लोगों का आना जाना, टूरिस्टों का पूरा भीड़ भाड़ यहाँ रहता है, पूरा भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो दोस्तों ये है यहाँ का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किला 1612 में बना हुआ था और अभी भी एकदम वैसी है दोस्तों। दोस्तों ये सामने दिखने वाला ऊंचा टावर, जी हाँ दोस्तों, ये वास्तव में लाइट हाउस है। उस समय पुर्तगालियों ने इसे लाइट हाउस बनाया था। दोस्तों इस किले का निर्माण 1609 में किया गया और 1612 में यह बन करके तैयार हो गया। दोस्तों इस किले का निर्माण तत्कालीन वायसराय रूप तवारा के शासनकाल में बनाया गया था। इस किले का निर्माण पुर्तगालियों की रक्षा के लिए बनाया गया था ताकि पानी से आने वाले दुश्मन को यहां रोका जा सके। दोस्तों तो मैं किला की दीवार के ऊपर में जा रहा हूं। अब देखते हैं ऊपर का नज़ारा पूरा। यहां लोग अपने यादों को अपने कैमरे में लोग कैद कर रहे हैं। जी सर, आप वीडियो बना रहे हैं? हाँ। यूट्यूबर हैं? हाँ। जी आपको चैनल का नाम सर? नहीं अभी नहीं खोला। अभी नहीं खोला? कहाँ से आए सर? कोलकाता से। काफ़ी ऊंचाई में है दोस्तों, ये थका देने वाला रास्ता है। सीढ़ी नहीं बना है, बिल्कुल प्लेन है। हालांकि ये खुरदुरा है इसलिए चलने में दिक्कत नहीं हो रहा है और लोगों का आवागमन बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मैं किले की दीवार में आ गया दोस्तों ऊपर। अब मैं ऊपर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये है दोस्तों ऊपर से देखने पर यह ऐसा दिखता है। यहाँ लोगों को दिखे पूरी पूरा भीड़ भाड़ एरिया है, पूरा लोग इसको देखने आए हैं। काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे देश से भी आते हैं लोग यहाँ दोस्तों। आज हमारी टीम में भी कई देश के लोग हैं दोस्तों। आप इधर देखिए, ये सी का नज़ारा है, समुद्र है। दोस्तों यहाँ से लाइट हाउस का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। दोस्तों गोवा आने वाला हर पर्यटक अवगंडा किला जरूर देखने आता है क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत है। समुद्र के किनारे होने के कारण यह और भी खूबसूरत हो जाता है। खूब नहीं हुआ है और ना ही कहीं मरम्मत किया गया, जैसा समय बना था बिल्कुल वैसा ही नज़ारा अभी भी है। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल इसकी मत कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको पल पल का नज़ारा आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। एक सांप आ गया दोस्तों यहाँ पर, एक छोटा सा, अब देख सकते हैं। डराने के लिए काफ़ी है, छोटा सा है मगर खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है हमेशा, आज भी बहुत सारा भीड़ है, दिन भर लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता है दोस्तों। अभी हम लोगों का नंबर लगा और हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और अब हमारा बस का टाइम हो रहा है दोस्तों। अब थोड़ा सा यहाँ आने में लेट किए, ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया था तो ब्रेकफास्ट हम लोग किए, उसके बाद फिर यहाँ पर आ पाए। हम लोग करीब 20 मिनट लेट कर दिए यहाँ पर आने में और हमारा टाइम समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से अब जाऊँगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।